आईटीआई के सभी छात्र, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें जितना भी प्रश्न है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके लिए लाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स सभी प्रश्न का 100% चांस है, 100% चांस वाले हम प्रश्न को पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, कि जो भी आएगा फ्रेंड्स यहीं से आएगा जो हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम लोग वीडियो पे आते हैं और प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नॉट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? नॉट का अर्थ क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन, वीडियो का पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र में गति की इकाई को नॉट कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झील वॉन टर्की में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? 23 का सही जो आपको बताना है फ्रेंड। सबसे पहले बता दूं आपका जो पेपर जो है, आपका क्वेश्चन का लेवल मैं बता दूं, सबसे पहले इजी टू रहेगा फ्रेंड्स, इजी टू मीडियम लेवल का, ठीक है, इजी टू मीडियम लेवल का रहेगा। हार्ड प्रश्नों को नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप समझिए कि कम समय में क्या पढ़ना चाहिए। सभी बच्चों को यही डाउट होता है फ्रेंड्स कि कम समय में क्या पढ़ना चाहिए, तो कम समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, जो यहाँ बताया जा रहा है। यूट्यूब पे फ्रेंड्स और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल संयोजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? 24, सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? 24 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस समुद्री जलधारा की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है? किस समुद्री जलधारा की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है? सभी प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागरीय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारे क्लास चल रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें एक चीज मैंने देखा है कि एक प्रश्न का आंसर बताने में वो लगभग 2 मिनट का समय लेते हैं फ्रेंड्स, 2 मिनट का समय लेते हैं एक प्रश्न का आंसर बताने में, काफ़ी आपके टाइम को फ्रेंड्स वो बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए सारे चैनल को छोड़िए और यहाँ आइए, ठीक है। मैं बता दूँ यहाँ मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, आप मैथ के लिए कहीं और पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जरूर आना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ना है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र में भूमि के अंतिम भाग को लैंड्स एंड कहते हैं, जो होता है बताइए, जो कैसा होता है? समुद्र में भूमि के अंतिम भाग को लैंड्स एंड कहते हैं, जो होता है? 26, तो 26 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, अंतरिप होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग इतना भागों को घेरे हुए हैं? समुद्र जो है पृथ्वी के कितने भाग को घेरा हुआ है? 27, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70% को। कितने भाग को फ्रेंड्स? 70% भाग को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए, सकिरी ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है? सकिरी ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है? चार ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें से एक को चुनना है। तो 28 का मैं आंसर बता दूं आपको डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है? फिर से पढ़िए, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर उत्तर ध्रुव महासागर। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में बताइए? तो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सबसे गहरा महासागर बताइए, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सागर भूमिबद्ध है? कौन सा सागर भूमिबद्ध है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना फ्रेंड्स टाइम कि आप किस टाइम पर लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके समय में, आपके एग्जाम के समय में बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरल महासागर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस एक में न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर होता है? निम्नलिखित में से किस एक में न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर होता है? 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वायुमंडल क्या है बताइए, वायुमंडल क्या होता है? 35 में क्वेश्चन है कि वायुमंडल क्या है,
35 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, वायुमंडल जो होता है वो एक मिश्रण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यापारिक पवने कहाँ चलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापारिक पवने कहाँ चलती है, चार ऑप्शन में से पढ़कर एक एक का चुनना है आपको, बताइए। क्वेश्चन का सही जवाब है व्यापारिक पवने कहाँ चलती है, 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपोष्ण उच्च दाब से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में, ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में, ओजोन परत अवस्थित है, 37 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, चार ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 38 का सही जवाब मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस का, किसका फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस का। अगला क्वेश्चन कहता है कि पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं अगर मेरा वीडियो पसंद आता आपको तो सब्सक्राइब जरूर कर दे फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगला वीडियो भी जल्द मिल जाएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।